दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। हम बात करेंगे आज किसी का भाई किसी की जान, सलमान खान की मूवी आने वाली है और ये 25th को होगी, ईद वाले दिन, और कह सकते हैं ईद वाले दिन भी नहीं हो सकती है तो अगले दिन होगी, तो पक्का 25th को आ जाएगी ये मूवी। मतलब हम बात करेंगे कि एडवांस बुकिंग इसकी क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में लोग बोल रहे हैं कि यार ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा सोचने वाले, मतलब सोच रहे हैं ना, जो बिल्कुल गलत। वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन है वहाँ तक पहुँचना। जो लोग बोल रहे हैं ना इतना एडवांस बुकिंग करेगी, नहीं भाई वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। पठान मूवी एक इंडस्ट्रियल बोलते ना वो हिट थी, मतलब समझ जाओ आप, वो एक इवेंट फिल्म थी, बहुत ही धमाकेदार। 4 साल बाद शाहरुख खान ने वापसी की थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब कि इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, नहीं वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकती। बात करेंगे कि आज इसने क्या कमाल किया है, मतलब एडवांस बुकिंग कैसी रही आज की। तो दोस्तों एडवांस बुकिंग अभी तक इसने ओनली 30,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, मतलब बिक चुके हैं। और गेटी गैलेक्सी आपको पता ही है पहले से, मतलब धमाका कर रही है वहाँ। ऑफकोर्स आपको मालूम है वहाँ तो धमाका करेगी पक्का, वहाँ पे तो अभी से सोल्ड आउट हो चुके हैं सब टिकट, मतलब शो जो भी शो है अभी तक मिले हैं हाउसफुल है, ठीक है। और थोड़ा बहुत बचे हैं वो भी हो जाएंगे, मतलब इसको इसकी एडवांस बुकिंग है फुल तरीके से अभी तक सही तरीके से खुली नहीं है, ठीक है। तो वो होगी कल से स्टार्ट, कल हमें देख सकते हैं कि क्या ये एडवांस बुकिंग धमाका करेगी या नहीं करेगी। मतलब अभी तक 75 लाख क्या होते हैं, मतलब 75 लाख अभी तक इसने कमाए हैं, 75 लाख तो कुछ भी नहीं है। तो ये बेहतर हो सकता है कि ये इसकी जो एडवांस बुकिंग है खुली है जैसे ही ना, तो अच्छे संकेत दे रही है, जैसे कि भोला मूवी से बहुत धमाकेदार करेगी, और कह लो कि आप तू झूठी मैं मक्कार उस जो मूवी है उनसे बेहतर होने वाली है ये मूवी, ये तो 100% श्योर है। जी हाँ दोस्तों, और आप कह सकते हैं कि सलमान खान के फ़ैन है जो भाई, ईद वाले दिन तो ये मतलब धमाका करेगी, मतलब उस दिन आप कह सकते हैं कि आंकड़े क्या आएंगे क्या नहीं, मतलब धमाल ही होगा। तो ये सोच सकते हैं कि हम क्या वर्किंग वाले दिन, जो वर्किंग डे होगा उस दिन कितना कमा सकती है, पहले दिन ओपनिंग कैसे ले सकती है, मतलब क्या 20+ जा सकता है या 30+ जाएगी, क्या है आपकी राय ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कह सकते हैं कि ये अगर कहीं ना कहीं 20+ गई तो मतलब सुपर ब्लॉकबस्टर होगी ये मूवी, क्योंकि अगले दिन ईद है, ईद वाले दिन तो मैं कह सकता हूँ आपको धमाका करेगी ये मूवी। तो अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में इसने एडवांस बुकिंग बहुत ही अच्छी ली है, बहुत जगह पे जो शो है ना हाउसफुल जा रहे हैं, ठीक है। फीलिंग फास्ट है कुछ शो, तो कह सकते हैं यार ओवरसीज़ में तो यार इस मूवी की शुरुआत ही धमाकेदार हुई है मैं कह सकता हूँ। अभी मुझे पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है, जब पूरे रिपोर्ट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओवरसीज़ में ये धमाका करेगी भाई, मतलब बहुत ही अच्छी। तो कह सकते हैं यही था एडवांस बुकिंग, कल से मालूम पकड़ेंगे क्या ये कहां तक जाएगी, क्या पठान के इर्द गिर्द घूम सकती है ये मूवी या नहीं, क्या राय है आपकी, क्या पठान के इर्द गिर्द घूमेगी या नहीं। मतलब मैं करा कहने का है मतलब यही है कि क्या पठान के साथ मतलब आसपास जा सकती है या नहीं, बस यही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।